अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उसामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशंस। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी एरेज और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में हमने देखना है कि हमारी लूप्स क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि हम लूप्स को देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हम अपने आइट्रेशन वगैरह किस तरह कर सकते हैं। आइट्रेशन का एक वर्ड यूज़ हुआ है इसमें। आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी लूप कितनी बार चल रही है, तो वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि आप अपने यानी कि आपने जैसे एरे बनाए या फिर ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर आप जो यानी कि आपने जो वैल्यू दी है ना, दूसरे या तीसरे इंडेक्स पे या जीरो इंडेक्स पे, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो अगर आपने उसको लेटर का कीवर्ड का यूज़ करके बनाया। अगर आपने इसको कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करके बनाया, फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में आपको ये भी करके दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ये कल वाली फाइल मैंने ओपन की हुई है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारे पास ऊपर यहाँ पे एरे बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट वाले को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एरे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं एरे को ऐसे ही प्रिंट करूँ तो हमारे पास ये आ रहा है, लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि हमारे पास एरे के अंदर जो जैसे कि वन इंडेक्स पे है, वन इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू कर दे, अभी कितनी 34 है, मैं इसको कहता हूँ कि इसको 50 कर दो। अब देखते हैं हमारे पास चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हमारे पास को मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितने पे उसने किया है, उसने 2 पे कर दिया। इसको मुझे 1 पे करना है क्योंकि हमारे पास वैल्यू नंबर 2 है लेकिन इंडेक्स नंबर तो 1 है ना। तो अगर मैं इसको 1 पे अब करूँगा तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास 50 हो गया है। तो इस तरह आप अपनी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ जो आपने लेफ्ट का कीवर्ड यूज़ करके अगर बनाया तो फिर आप कर सकते हो, नहीं तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो आज अब हम चलते हैं लूप्स की तरफ। हमारे पास टोटल 2 टाइप्स की लूप्स होती है बेसिकली। तो वैसे तो हमारे पास और लूप्स भी है, लेकिन जो हमारी ज़्यादा यूज़ होती है ना, वो हमारे पास 2 टाइप्स की है। एक हमारे पास फॉर लूप, एक हमारे पास वाइल लूप। सबसे पहले हम फॉर लूप को देख लेते हैं। ये जो जितना भी कोड है ना, मैं सारे ये कर देता हूँ कमेंट। आप यहाँ पे जाकर सिंपल लिखोगे फॉर। आप जैसे ही फॉर लिखोगे ना, यहाँ पे आप नीचे करोगे, ये आपके पास आ रहा है फॉर लूप। फॉर लूप्स भी आ रही है, लेकिन हम आज फॉर को देखते हैं सबसे पहले। तो आप इसको जैसे ही एंटर करोगे तो ये आपको एक टेम्पलेट दे देगा बना बनाया वीएस कोड। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये एरे में से आपकी वैल्यू को निकाल के दे रहा है। अब यहाँ पे देखो ये एरे बना हुआ है, एक एरे के अंदर से वो वैल्यू को निकाल रहा है। अब मैं इसको ना किसी वाले एरे के ज़रिए मैं करता हूँ उसको यूज़। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे एरे है ना, वहाँ वहाँ पर मैं कर देता हूँ ARR, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ उसको ARR। अब मैं यहाँ पर ना नीचे लगाता हूँ एक कंसोल, console.log लगाता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स। अब देखना आपके पास रिजल्ट क्या आता है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। एलिमेंट्स नॉट डिफाइन कह रहा है। अच्छा, मुझे इसको एलिमेंट करना है, ऐसे नहीं लगाना। आपने जो वेरिएबल का नेम है वो आपने सेम यूज़ करना, नहीं तो आपके पास इशू आ जाएगा। अब ये देखो आपके पास अब सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उसके अंदर वैल्यूज थी, वो आपके पास अलग अलग करके आपको गेट हो गई है। तो इसी तरह हम अपने एरे यानी कि लूप्स के अंदर हम इस तरह इसको गेट कर सकते हैं। वैसे हम गेट कर रहे तो हमें एक एरे की शेप में मिला था वो वैल्यू। अब हमारे पास ये नंबर है, ये नंबर है, ये वैल्यू, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन वैल्यू है, अनडिफाइन। अब हमें सब कुछ अलग अलग मिल गया है। अब हमारी जो लूप्स है ये काम किस तरह करती है, आप ये देख लेते हैं। सबसे पहले लूप का मतलब ये है कि यानी कि ये एक के बाद दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। अब इसमें मेन काम ये हो रहा है कि हमारे जो ये कोड है ना 2 लाइनों वाला, ये हमारा कितनी बार चल रहा है, जितनी हमारी उसकी लेंथ है। जैसे इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसकी लेंथ 6 है, तो ये 6 टाइम्स चल रहा है हमारा ये वाला कोड। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको एक बार लिख दिया। तो हमारे जो लूप है ना, ये हमारे कोड को यानी कि दोबारा दोबारा चलाता है एक ही कोड को। जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे इस वाले मैं लूप को करता हूँ डुप्लीकेट, और ये जो जितना भी है ना ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ इस तरह, मैं करता हूँ लेट ए इक्वल टू 0। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन, मैं करता हूँ कि ए चले ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 तक, और यहाँ पे मैं करता हूँ A++। अब ये जो कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर सिंपल मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, कुछ भी यानी कि वेरिएबल को नहीं प्रिंट कर रहा। इसके अंदर मैं सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता हूँ, जो कि हमारा एक सिंपल कोड है। अब मैं जब इसको रन करूँगा, तो
तो कंडीशन मैंने गलत की है। यहाँ पे मुझे करना है, यहाँ पे मुझे करना है लेस देन फाइव, लेस देन फाइव। तो अब ये देखना, ये हमारे पास 5 बार हमारे पास प्रिंट हो गया, आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये देखो हमारे पास 5 टाइम प्रिंट हो गया आ गया। अब ये कंसोल के अंदर, तो यहाँ पे उसने दे दिया हमें 5 टाइम, ये हमें प्रिंट हो गया कर दिया। अगर मैं इसको अलग, यानी कि वैसे ही करता ये लूप के बगैर, तो मुझे इसको 5 बार लिखना पड़ता। तो उससे बेहतर ये नहीं कि मैं लूप चला के अपना अपना काम सारा इजीली कर लूँ। तो लूप हमारा बेसिकली यही काम करता है। अब यहाँ पे ये देखो मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया है वेरिएबल जो कि हमारा इस ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, ब्लॉक के बाहर काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था वेरिएबल का स्कोप, तो ये एक तरह से वही है, ये इस ब्लॉक का वेरिएबल है, इसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगाई है कंडीशन, मैंने कंडीशन लगाई है ए लेस देन फाइव, ए के अंदर, यानी कि तब तक हमारी कंडीशन ट्रू है जब तक इसके अंदर 5 नहीं आ जाता। जैसे ही 5 आएगा हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो लूप हमारी तब तक चलती है जब तक हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स ट्रू है। जैसे ही हमारी लूप की कंडीशन फॉल्स होगी हमारी लूप रुक जाएगी। ये मैं काम कर रहा हूँ इंक्रीमेंट का, जब हमने वो पढ़े थे ऑपरेटर्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। तो ये इंक्रीमेंट यही काम कर रहा है। असल में ये होता है कि लूप जब हमारी पहली बार चलती है तो इसमें हमारी वैल्यू होती है 0, कंडीशन हमारी ट्रू है। यहाँ पे जब हमारे पास आती है ना, हमारे पास एक इंक्रीमेंट होता है, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। उसके बाद ये वाला प्रिंट करता है, उसके बाद जब ये दोबारा जाता है तो इसकी वैल्यू हुई होती है 1। वो इस पर चेक करता है तो तब ये हमारी ट्रू होती है। फिर ये वहाँ पर आता है, इसकी वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करके 2 करता है। इस तरह हमारे पास जब ये 5वीं बार होता है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती हो जाती है 5। जब वो यहाँ पर जाता है तो हमने कहा है कि हमारी ए की वैल्यू तब तक चलेगी जब तक हमारी वैल्यू ए 5 से छोटी है। तो हमारी वो वैल्यू तो 5 के बराबर हो गई, तो वो क्या करेगा, वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, हमारी लूप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, हमारी लूप दोबारा नहीं चलेगी। तो हमारी लूप बेसिकली तब तक चलती है जब तक उसका, यानी कि वो ट्रू है बड़ा। अगर इसके अंदर मैं इसको इनफाइनाइट लूप बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको अगर सिंपल इसको मैं अगर ट्रू पास कर देता हूँ ऐसे, तो अब ये हमारी इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। इसको मैं इस तरह पास नहीं कर सकता, इसको मुझे कंडीशन के अंदर करके पास करना पड़ेगा लूप को, फिर ये हमारी लूप इनफाइनाइट लूप बन जाती है। हम अपनी वाइल लूप को इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं। तो इस तरह हम इसको गेट कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे इसको ऑपरेटर का यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं करता हूँ लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन और इक्वल टू। अब हमारे पास 5 बार चलेगी, यानी कि अब हमारे पास एक बार चलेगी जब हमारी वैल्यू 5 के इक्वल भी है। तो आप इस तरह भी यूज़ करते हो, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर, ये लेस देन, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह आप डबल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो होगी हमारे पास फॉर लूप। एक हमारे पास होती है वाइल लूप। वाइल लूप का भी सिंटैक्स देख लेते क्या फ़र्क है। यहाँ पर मैं जाकर लिखता हूँ वाइल, वाइल लिखूँगा तो हमारे पास नीचे आ रही वाइल स्टेटमेंट, इसको मैं एंटर करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल ये कोड आ रहा है, कंडीशन उसके बाद एक ब्लॉक बना हुआ है। अब आप इसको किस तरह यूज़ करते हो, इसका जो वेरिएबल आप बनाओगे ना, वो आप बनाओगे बाहर, यानी कि वो आपका ग्लोबल वेरिएबल होगा, वो आपका लोकल वेरिएबल नहीं होगा। मैं यहाँ पे करूँगा लेट ए इक्वल टू 0। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, यानी कि कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं लगाऊंगा कंडीशन, कंडीशन में वही लगा देता हूँ ए लेस देन 5। कंसोल के अंदर मैं यही चीज़ प्रिंट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे इसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट मुझे इसके नीचे करवाना पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस प्लस मुझे यहाँ पे करवाना पड़ेगा लाजमी। तो इसलिए मैं इसको यहाँ से ए इंक्रीमेंट करवाऊँगा। अब हमारे पास जब मैं यहाँ पे जाके आपको चेक करके दिखाऊंगा ना, तो अब हमारी लूप एक 5 बार ऊपर वाली लूप चलेगी और 5 बार नीचे वाली लूप चलेगी। तो ये देखो, ये जो ऊपर वाली लूप है ये हमारी फॉर लूप का कोड है, और ये हमारा नीचे वाइल लूप का है। तो ये डिफरेंस है दोनों लूप्स का। बाकी आप काम वही कर सकते हो जो आप उससे कर रहे थे, यानी कि फॉर लूप से कर रहे थे। आपको जो लूप ईजी लगे आप वो यूज़ करो, आप वाइल भी यूज़ कर सकते हो, आप फॉर भी यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस है। आप इसके अंदर ही सब कुछ ही कर देते थे, आप लेट भी इसके अंदर कर रहे थे वेरिएबल को, वेरिएबल की कंडीशन भी इसके अंदर लगा रहे थे, उसको इंक्रीमेंट भी यहीं पे कर रहे थे ब्रैकेट्स के अंदर। यहाँ पे आप वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करते हो, अंदर उसकी कंडीशन लगाते हो, और इंक्रीमेंट आप ब्लॉक के अंदर करते हो। बस ये डिफरेंस है, बाकी आपके लूप्स का दोनों का काम सेम है, पर बिल्कुल भी थोड़ा सा डिफरेंस भी नहीं है काम में। वो सेम जो काम फॉर लूप करती है वही काम वाइल लूप करती है। ऊपर हमने देख लिया कि आप अपने वेरिएबल को, यानी कि जो आपने एरे बनाया हुआ है, आप उसकी वैल्यू को किस तरह गेट कर सकते हो, आपको यहाँ से पता चल गया है। यहाँ से आपको उसकी वैल्यू मिल रही है जो आपका एरे बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस तरह है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बनाया एक इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल, वही 0, जैसे मैं यहाँ पे ए के नाम से बना रहा था। उसके बाद ये जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स को मैं कह रहा हूँ कि एरे की डॉट लेंथ, यानी कि जो एरे की लेंथ है ना, जैसे एरे की लेंथ अगर 6 है तो ये चले 5 बार,
क्योंकि मैं कर रहा हूँ लेस देन, क्योंकि अगर उसकी लेंथ 6 है तो पहले बार पहले तो 0 हो गया, क्योंकि इसके अंदर एरे के इंडेक्स के अंदर 0 है पूरा, तो 0 से 5 बार चलेगा तो हमारे पास 6 वैल्यूज़ ही आएगी। इसलिए हम अगर लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आप यही कहोगे कि इंडेक्स को लेंथ से आप एक कम ही रखोगे। जैसे इंडेक्स में अगर हमारे पास 5 है तो लेंथ उसकी 6 होगी, क्योंकि हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। 0 से 0 और 5 अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह करते हैं। तो इसको हम लेस देन ही करेंगे। उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस वही हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे आगे हम क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट के अंदर वैल्यू ले रहे हैं। आप ये सेम टू सेम यही कोड इसके अंदर भी लगा सकते हो, आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हो। आप क्या कर रहे हो, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे हो, एरे के ये दे रहे हो एरे, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स। पहली बार 0 आता है, दूसरी बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसलिए आपके पास वो उसी तरतीब में आपके पास पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट होकर आ रही है। तो इस तरह आप सिंपली आप फॉर लूप के जरिए भी काम कर सकते हो, आप व्हाइल लूप के जरिए भी काम कर सकते हो। व्हाइल लूप के जरिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार खुद ट्राई करो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आप अपने व्हाइल लूप के जरिए ये काम किस तरह कर सकते हो। बाकी लूप्स वगैरह अगर आपको क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छा है, पर क्योंकि लूप्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आगे चल के जब हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हमें लूप्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना लाजमी है। अगर आपको लूप अभी तक समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लो, आपको समझ आ जाएगी, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल आप ये समझ लो कि आपके जो भी यानी कि कोड है ना, वो आप उतनी बार चलता है जितनी बार आप उसको चलाना चाहते हो। अब इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ कर दिया आइट्रेशन का। आइट्रेशन जो हमारी है पर ये यही है कि हमारी लूप कितनी बार चल रही है। एक आइट्रेशन का मतलब हमारी लूप एक बार चलेगी, दो आइट्रेशन का मतलब हमारी लूप 2 बार चल रही है। और कोई इसमें यानी कि कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अपनी आइट्रेशन का कभी जब भी कॉन्सेप्ट आए इसका मतलब आप यही समझ लो कि आपकी लूप्स का कॉन्सेप्ट यानी कि लूप की आपकी बात हो रही है। आइट्रेशन हमेशा लूप को ही रिप्रेजेंट करती है और किसी चीज़ को नहीं करती। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।